हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ, ये देखिए मेरे गार्डन में ये नया प्लांट आया है, तो अब मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको करना बताऊंगी। ये गजानिया का प्लांट है, तो गजानिया के प्लांट के लिए जो सॉयल मिक्स हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये दिखाऊंगी कि हाँ, नर्सरी से मैं ये एक प्लांट लेके आई हूँ 30 रुपीज़ में, और इस एक प्लांट से मैं कैसे दो प्लांट अलग अलग सेपरेट करके लगाऊंगी। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको हम सॉइल दिखा देते हैं। तो आपको 40% गार्डन सॉइल लेना है और 40% कंपोस्ट, यानी कि जितनी आप मिट्टी लेंगे उतनी ही गार्डन सॉइल लेंगे। मुझे इसे हुक पॉट में लगाना है, इस तरह के देखिए हैंगिंग पॉट में लगाना है। तो इसके लिए हैंगिंग पॉट में जो सॉइल आप यूज़ करें, मतलब तो वो बन के जब तैयार हो तो हल्का होना चाहिए, भारी रहता है तो वो पॉट टूटने का डर रहता है। और ये देखिए 20% जो है ये राइस हस्क है, धान की भूसी। तो इसे मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो बहुत ही लाइट वेट होगा। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर ज़रूर से ऐड करिए, फंगीसाइड का काम करता है, साथ ही साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए मैं 2 मुट्ठी के करीब इसमें नीम खली पाउडर ऐड करूँगी, ये हो गया। और उसके साथ ही फंगीसाइड पाउडर भी हम ऐड करेंगे। ठंडियों में प्लांट्स में फंगस लगने का चांस बहुत रहता है, क्योंकि हमेशा से नमी बनी रहती है रूट्स में। तो इसलिए ये रहा 1 चम्मच और ये दूसरा, तो 2 चम्मच के करीब आप फंगीसाइड पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर आप फंगीसाइड पाउडर मिक्सचर में ऐड नहीं करते हैं तो आप वाटरिंग करते समय इस फंगीसाइड पाउडर को उसके पानी में मिक्स कर दीजिए, फिर वाटरिंग करिए। और साथ ही साथ महीने में 15 से 1 महीने के बीच में आप हमेशा से फंगीसाइड का इस तरह से वाटर में मिक्स करके या स्प्रे करिए, बॉटल में मिक्स करके इसका पानी करते रहना चाहिए। इससे प्लांट्स में जो फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते कम रहते हैं, तो प्लांट्स जो है ख़राब नहीं होते, आपके ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अलावा हम कोई अदर जैसे NPK हुआ, DAP, तो अगर हम ना भी यूज करें तो चल जाता है, क्योंकि जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है या वर्मी कंपोस्ट, पत्ते की कंपोस्ट जो होती है वो सब खुद, और ऊपर से हमारे जो सॉइल होती है उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधों को वो होते हैं। तो ये पहले अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए। तो मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉट में करने से पहले मैं आपको गजानिया का प्लांट जो है ये से निकाल लेती हूँ। तो आपको हल्के हाथों से चारों तरफ से इसको प्रेस कर लेना है। अभी मैं अकेली हूँ, कोई वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ है नहीं, तो फिर मैं आपको दोनों हाथों से प्रेस करके दिखाती हूँ। अभी मैं इसको चारों तरफ से इस तरह से प्रेस करके निकालूंगी। फिर इस तरह से निकालने के बाद हमें इसे सेपरेट करना है, इसमें से 2 प्लांट तैयार करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे हल्के हाथों से इनकी मिट्टी हटाऊँगी और फिर इनसे प्लांट सेपरेट करूँगी। तो ये देखिए मैंने प्लांट सेपरेट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, चारों तरफ से आप इस तरह से देख लेना, तो जिधर से अलग से इसकी जो निकली रहती हैं इस तरह से देखिए ये स्टेम जो रहती हैं, तो इसको आप हल्के हाथों से इस तरह से आप अलग करना कि ये नीचे की, ये देखिए थोड़ी थोड़ी रूट्स जो हैं वो अलग हो जाएँ। तो अब ये 3 जो प्लांट हैं मैं एक साथ लगा दूँगी, और ये जो एक अकेला प्लांट है इसे एक में लगाऊंगी। ये रहा मेरा पॉट, तो इस तरह के हुक वाले पॉट में मैं इसे लगाऊंगी। तो इसके देखिए ग्रेनेज होल में निकल रहा है, तो अब इसमें मैं ये थर्माकोल से कवर कर दूंगी। ग्रेनेज थर्माकोल बहुत लाइट वेट होता है, तो हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद से फिर ये सूखे पत्ते या घास आप जो है सबसे नीचे की तरफ इस तरह से डाल दीजिए। ये भी जो है ये पॉट को लाइट वेट बना के रखते हैं, और अंदर ही अंदर डिकम्पोस्ट होते रहते हैं। फंगीसाइड हम यूज़ करते ही हैं तो फंगस लगने के चांस भी नहीं रहते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए ये हो गया ट्रांसफ़र। अब जो ये गजानिया का प्लांट है अब मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। फ्रेंड्स मैं इसे शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने लगा दिया है पॉट में। इसको बहुत नीचे तक इसको नहीं लगाना है, क्योंकि साइड साइड से इसके छोटे छोटे प्लांट, बेबी प्लांट निकलते ही रहते हैं। तो आप इसको बहुत ज़्यादा नीचे डीप करके मत लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद अब इसमें हम फुल वाटरिंग कर देंगे, और 3 से 4 दिन शेड एरिया में रखेंगे जहाँ कम धूप आती हो, बहुत हल्की धूप। तो जब ये प्लांट आपको दिखने लगेगा कि ये पूरी तरह से लग गया, सेटल हो गया, फिर इसे हम फुल सनलाइट में रखेंगे, क्योंकि गजानिया का जो प्लांट होता है उसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। जब ये सनलाइट में मतलब फुल सनलाइट में आप इसको रखोगे तो ये अच्छे से ब्लूम करेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके फ्लावर्स सूरज की रोशनी में ही खिलते हैं और फिर शाम होने के बाद ही अपने आप ढक जाते हैं।
तो ठीक इसी तरह से अब मैं दूसरा भी प्लांट जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। और साथ ही साथ मेरे पास डांसर्स का भी प्लांट मैं एक नया कलर लेके आई हूँ, तो सेम सॉयल मिक्स इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सकुलेंट्स में जब आप लगाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सॉयल मिक्स, नहीं तो लगभग सारे प्लांट में सेम सॉयल मिक्सचर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।